Brand new diamonds, Praveen and Meenakshi Patelia. Meenakshi, we are very very proud of your accomplishment. You know, जब आप इनके अप्लाई ने रवि प्रकाश और मंजूषा, you know, और आपने उसको पूरा डुप्लीकेट किया है, you know, और जो आपने जो काम किया है उसका ये रिजल्ट है, you know. But we are very proud of your accomplishment. I know you must have worked very hard, you know, and we are so glad. हमने उनको जब बिजनेस शुरू किया था तब से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. जब गुजरात में हम जाते थे तब इनके अपलाइन जो थे ना उनके जरिए उनका पहचान हुआ, बट उसके बाद में अभी उनको और जब नज़दीक से जानने को मिला कि वेरी हार्ड वर्किंग कपल है, इसीलिए ये स्टेज पे है ना. वरना ऐसे कोई डायमंड पे नो, ओनली थिंग दे डू इज द टू थिंग्स आई हैव नोटिस अबाउट प्रवीण एंड मीनाक्षी, दे डुप्लीकेट देयर अपलाइन, यू नो, जो अपलाइन बताते हैं वही करते हैं बस, यू नो, और वर्किंग वेरी हार्ड. सो वी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड मीना. Of course, welcome to Diamond Club. We are very proud of you. हम तो proud है उनकी और plan उनके इनके लिए बहुत proud है. और उन लोगों ने उनका home में फ्री तो किया था, हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन आज हमें मौका मिला आपको recognize करने के लिए. और जैसे कुलीन ने बताया, हमने ये इनके बारे में कुछ काम नहीं किया, पर्सनली कोई प्लान भी नहीं बताया, कोई ब्यूटी ब्रेक भी नहीं आया, फिर भी वही काम कर रहे हैं जो हमें करना है, वही स्टेज पर वही हैंड रेस कर रहे हैं, वही ये ब्यूटी बिजनेस के लिए, यू नो. आपने अपना आपके लिए बहुत हेल्प किया होगा, आपको भी बहुत काम किया है बिजनेस में, आपके अपना के बारे में मैंने सुना था. लेकिन आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर ऑन अवर टीम एंड आई नो यू आर विद क्राउन एम्बेसडर ऑन द ब्रिक. वी लव यू गाइस, वेलकम टू डायमंड क्लब. थैंक यू. नाउ वी हैव वेरी स्पेशल प्लेक फॉर यू, यू नो, इट सेज प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया न्यू डायमंड्स, द हाईएस्ट रिवॉर्ड्स फॉर मेंस डेडिकेशन टू एक्सलेंस is not one what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2009. All right, so guys, you. With that, here is New Diamonds, Praveen and Meenakshi. डायमंड साहब विचार है दोस्तों. वी आर प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया फ्रॉम गुजरात. और दोस्तों आज हम यहां पे एक्साइटमेंट चुराने के लिए आए हैं. क्या एक्साइटमेंट देने के लिए तैयार हो दोस्तों? यहां पे आज इस स्टेज पे दोस्त हम लोग खड़े, इस दिन का हमने दोस्त बहुत ही सालों से हमने इंतजार किया था. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहां पे पहली बार आए होंगे दोस्त, बहुत सारे नए लोग यहाँ पे पहली बार आए होंगे. एक ड्रीम जागेगा दोस्त आपको यहाँ पे. और भी डायमंड्स दोस्त यहाँ पे आएंगे, जिनको देख के जो ड्रीम आज आपका जागने वाला है दोस्त, यही एक ड्रीम दोस्त आपको एक अलग जिंदगी दे सकता है. तो आज इस दिन कुलीन जी और मीना जी दोस्त
हमारा जो हाथ रेस करने के लिए जो स्पेशल यूएसए से आए, सबसे ज्यादा हम शुक्रगुजार है उनके, हमको स्पेशल बुलाया गया है बड़ौदा से यहाँ पे हमारा हैंड रेस करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्त उनको बहुत ही बधाई है दोस्त जी। तो थोड़ा बहुत हम अपने बारे में बनेंगे। नाम प्रवीण पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब के साथ जॉब कर रहा हूँ करीब पिछले 15 साल से। ये बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं करीब पिछले 7 साल से, और इस बिजनेस में आज इस जगह पे दैट इज द फ्रूट ऑफ ऑल आवर अप्लाइंस आज हम यहाँ पे है दोस्त। सबसे पहले दोस्त बिजनेस में हम इस लेवल पे सबसे ज्यादा हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भगवान को, जिन्होंने दोस्त हमें एक मनुष्य की जिंदगी दी और इसी जिंदगी में इस बिजनेस को दोस्त समझने की ताकत दी। दूसरा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोस्त मेरे माता पिताजी, मीनाक्षी के माता पिताजी, जिन्होंने ऐसे संस्कार सींचे दोस्त हमारे अंदर, जिनके कारण दोस्त हम इस जिंदगी के अंदर सफल होने के कुछ गुण टिका पाए। सब लोग मानेंगे दोस्त आदमी कहीं पे भी हो लेकिन उसके संस्कार ही उसके साथ रहते हैं जो उसको आगे ले जा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं। थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑल आवर अपलाइन जिन्होंने दोस्त हमें इस बिजनेस के अंदर सही राह दिखाई। सबसे पहले दोस्त मैं अपने स्पॉन्सर और अपलाइन डायमंड जो मेरे मेंटर है उनको तो सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्त, जिनका नाम है वेरी डायनामिक डायमंड रवि प्रकाश एंड मंजू सा। दोस्तों स्कूल और कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़े थे दोस्त, इस बिजनेस को उन्होंने हमसे कुछ साल पहले समझ लिया था, हमें बताने की कोशिश की थी लेकिन वी जस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज दिस पोटेंशियल, इमीडिएट ज्वाइन नहीं किया था हमने। करीब 2.5 से 3 साल बाद हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उनके साथ, लेकिन वो और उनके ऊपर जितने भी अप्लायंस थे दोस्त उन्होंने बहुत ही पेशेंटली दोस्त हमारे साथ काम किया, हमको दोस्त उनके ब्लेसिंग्स मिलते रहे और रिजल्ट इज वी आर हियर। थैंक्स टू ऑल आवर अप्लायंस, थैंक्स टू आवर टीम। कोई भी बंदा दोस्त इस बिजनेस के अंदर इस लेवल पे आता है वो रिकॉग्नाइज यहाँ पे होता है लेकिन वो वर्क होता है पूरी टीम का, पूरी टीम यहाँ पे नहीं लाई जा सकती, इसलिए दोस्त एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। आप लोग डायमंड से बिट टीम वर्क, आर यू विद मी? डेफिनेटली कैसा दोस्त मैं अपनी इस डायमंड शिप को आभारी हूँ मेरे अपलाइन की, और इस डायमंड शिप अगर हुई है तो मेरे टीम के लिए हुई है, एक टीम के वर्क्स के कारण हुई है। तो दोस्त मैं मेरी डायमंड शिप समर्पित करता हूँ मेरी एक टीम को जिन्होंने कहीं मेहनत करके दोस्त अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, और नतीजा आज ये है कि उनकी मेहनत की बदौलत दोस्त आज हम लोग डायमंड डायरेक्ट बन के यहाँ पे खड़े। जस्ट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे जिसके आप यहाँ पे बैठे हुए सब डिस्ट्रीब्यूटर्स कपल जिन्हें बैठे आप रिलेट कर सकते हो दोस्त हमें। बिजनेस शुरू करने के हिसाब से दोस्त हमने शुरू किया था लेकिन इतना ज्यादा इसका पोटेंशियल हो सकता है हमने कभी भी नहीं सोचा था। जब बिजनेस को हमने पहली बार देखा तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था, बेसिकली मैं बी मैकेनिकल मैंने किया है इसलिए दोस्त इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है गुजरात के अंदर उसके अंदर मैंने जॉब किया था, इनफैक्ट अभी मेरा जॉब वहाँ पे चालू है। बी मैकेनिकल कंप्लीट करके मैंने इमीडिएटली जॉब की मैंने शुरुआत नहीं की बिकॉज मुझे पता था दोस्त जॉब करके दोस्त लाइफ एक एवरेज रह सकती है। कॉलेज के दौरान मैंने कहीं पे एक बुक में पढ़ा था कि दोस्त हर आदमी के पास जिंदगी में 2 मौके आते हैं जिंदगी बिताने के लिए, एक चॉइस उसके पास रहता है कि कहीं के जाके वो जॉब करके पूरी जिंदगी बिता सकता है, दूसरी उसके पास चॉइस रहती है कि वो बिजनेस बिल्ड करके एक टफ डिसीजन लेके अगर चाहे तो जिंदगी वहाँ भी बना सकता है। दोनों ऑप्शन सबके पास रहते हैं लेकिन पहले ऑप्शन अगर कोई आदमी जॉब कर लेता है तो उस बुक में लिखा हुआ था पहले कोई आदमी जॉब कर लेता है तो एक डिसीजन तय हो जाता है कि वो पूरी जिंदगी कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। हेलो, बिजनेस में देयर आर चांसेस, मतलब एक दिमाग के अंदर मेरा था कि दोस्त कभी पूरी जिंदगी जॉब नहीं करूंगा मैं। तो दोस्त कॉलेज खत्म करते ही दोस्त बी कम मैकेनिकल कंप्लीट करते मैंने इमीडिएटली आई ज्वाइन MBA बड़ौदा के अंदर, और इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने MBA ज्वाइन किया था मेरा मकसद ये था कि मैं कहीं भी बिजनेस में जाऊंगा, लेकिन MBA करते वक्त भी ये पता चल गया था कि दोस्त बिजनेस करने के लिए यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहीं पर जाके करना पड़ेगा, और वो मुझे लग रहा था दोस्त होने नहीं वाला क्योंकि मेरे फादर में तो बेसिकली प्राइमरी टीचर है, उन्होंने संस्कार अच्छे सिंचे लेकिन पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे उनके पास। मुझे पता था दोस्तों बिना पैसों के मार्केट में और कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो माइंड थोड़ा बहुत मेकअप करके दोस्त MBA के दौरान कुछ जॉब्स में अप्लाई हमने शुरू कर दिया था, तो विद गॉड्स ग्रेस दोस्त हमें जॉब मिल गया गवर्नमेंट के अंदर, और करीब करीब 14 साल पहले मैंने जॉब की शुरुआत की। जॉब करने के साथ दोस्त इतना पता चल गया कि लाइफ के पूरे सपने यहाँ पे कभी भी पूरे नहीं हो, सब जगह देखो तो दोस्त एवरीवेयर ट्रेसेस रहते थे, एवरीवेयर टारगेट्स रहते थे, कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था दोस्त इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, आई वॉज सर्चिंग मोड, कुछ ना कुछ मैं ढूंढ रहा था।
तो विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड और मेरे मीनाक्षी के पिताजी के इन्वेस्टमेंट से, तो हमने एक बिजनेस की शुरुआत की थी, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की, जिसकी स्टोरी बहुत बताने लायक नहीं है। हर ट्रेडिशनल बिजनेस की स्टोरी ज़्यादा बताने लायक नहीं होती है। हेलो, बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर यही सोचते होंगे जब पहली बार इस बिजनेस के अंदर आए होंगे। मैंने 2.5 साल तक तो यही दिमाग में रखा कि कहीं पे लोग फंसे तो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे और इस बिजनेस के हम दूर रहते गए। लेकिन थैंक गॉड दोस्त, फंक्शन के अंदर अननोइंगली मैं पहुंच गया था मीनाक्षी को लेके। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई थी कि दोस्तों हमारे जीजा जी जो बड़ौदा में रहते, उन्होंने दोस्त मुझे कॉल किया कि प्रवीण जी एक बहुत अच्छा एक सेमिनार हो रहा है, दोस्त वहाँ पे जाने की जरूरत है आपको। वो बिजनेस नहीं कर रहे थे लेकिन मुझे भेज दिया गॉड्स मास्टर प्लान। एक ऐसा फंक्शन नहीं था, वहाँ पे एक सेमिनार था बड़ौदा के अंदर। मुझे ये भी पता नहीं था मैं किसके सेमिनार में किसके फंक्शन में जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ प्रमोट करके भेज दिया गया था, प्रवीण जी अच्छा फंक्शन होता है आप जाके देख के आओ। मतलब उस फंक्शन में जब मैं गया, वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस फंक्शन में उस स्टेज के ऊपर तो मैंने अपने दोस्त मेरे अपने भगवान को पाया, जिनका नाम है दोस्त रवि प्रकाश और मंजू शाह। वैसे दोस्त हमारी उस फंक्शन में मुलाकात हुई फिर से, और तब मुझे जाके पता चला कि रवि जिस बिजनेस की बात कर रहा है वो इतना ह्यूज बिजनेस है। सब कुछ पता नहीं चला था मुझे दोस्त पहले दिन, लेकिन इतना पता चल गया था मुझे कि लोग ऐसे अच्छे सज धज के बैठे थे, क्वालिटी लोग थे, जो बात स्टेज से कही जा रही थी वो सच्ची बात मुझे लग रही थी। एक दिल के अंदर दोस्त एक चीज बैठ गई कि दोस्त ये कुछ नया है जिसके अंदर दोस्त जिंदगी बन सकती है। और वही सोच लेके दोस्त इस बिजनेस के अंदर हम आए थे। तब हमें पता नहीं था दोस्त कभी ना कभी दोस्त हमारा हैंड रेज यहाँ से होगा, लेकिन एक पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग यहाँ पे आए। वैसे ही दोस्त एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप यहाँ से आज जाओगे तो एक दिन आज हम यहाँ पे खड़े हैं, कुछ साल बाद आपका हैंड रेज यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों एक सोच है तो सब हो सकता है, और ड्रीम ही तो है दोस्त। किसी भी आदमी अगर ड्रीम कर लेता है दोस्त तो आपका इंटरनल पोटेंशियल सब बाहर आ जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी में वो कैपेसिटी है, डायमंड जा सकता है, जा सकते सब लोग। भगवान ने सबको बनाया, सबके अंदर इक्वल ताकत है, इक्वल पोटेंशियल है। लेकिन दोस्त कौन लोग डायमंड जाता है? जो ड्रीम बनाता है दोस्त। आदमी को भगवान ने दोस्त एक ही चीज में पशु पक्षी से अलग किया है, दैट इज अ ड्रीम। पशु पक्षी कभी सोच नहीं बनाते, वो कभी ड्रीम नहीं देख सकते, लेकिन आदमी ड्रीम बनाता है और ड्रीम देख के वो पूरा भी करता है। इसलिए दोस्त हर आदमी को बड़े से बड़ा ड्रीम देखना चाहिए। इनफैक्ट इस बिजनेस में आने के बाद हमको थोड़ा सा हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ा, क्योंकि समाज में तो स्कूल में कॉलेज में फैमिली में एक ही चीज जो पहले सिखाते थे कि सपने देखना अच्छा नहीं है, जितनी चादर लंबी हो जितनी चादर लंबी हो उतना ही दोस्त पैर पसारो। सुना है आप सबने? कहीं ना कहीं सुनते दोस्त, छोटे सपने रखो, सब इच्छाएं दुख की आगमन होता है इच्छाओं से, ऐसा सब सुन रखा था दोस्त। इसलिए थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ा, सपने देखना सिखाया गया हमें, और यही एक जगह है दोस्त जहाँ पे सपना देखना भी सिखाया जाता है और सपने पूरा करना भी सिखाया जाता है। दिस इज द प्लेस। क्योंकि अगर दोस्त हम लोग एक ही चीज कह सकते दोस्त, अगर सही इंसान हो तो दोस्त आपको सपना देखना ही चाहिए, और सपना देखेंगे तो पूरा होगा। पशु पक्षी सपना नहीं देखते, पिक्यूलर क्वालिटीज भगवान ने सबको दिया है। मछली को दिया है तैरने का पानी में, उसकी क्वालिटीज है। पक्षी को दिया है दोस्त वो आसमान में उड़ सकता है, उसकी क्वालिटी है। आदमी को तो सपना देखना सिखाया है, वो उसकी क्वालिटी है। अगर मछली पानी में तैरना छोड़ दे, अगर पक्षी हवा में उड़ना छोड़ दे, और अगर आदमी सपने देखना छोड़ दे, तो वो लोग कहीं के भी नहीं रहते दोस्त। दैट्स व्हाई दोस्त सपना देखना चाहिए। यही सपना दोस्त हमने देखा था कि कभी ना कभी, इनफैक्ट आज कुलिन जी और मीना जी ने हमारा हैंड रेज किया। आज से कुछ साल पहले दोस्त हम उनसे हाथ मिलाने का सपना देख रहे थे, शायद हमें मौका मिल जाएगा हम कुलिन सर के हाथ मिला पाए। लेकिन दोस्त इस बिजनेस के अंदर अगर आप सही एसोसिएशन में हो तो दोस्त आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, आपके अंदर एक पोटेंशियल जो है बाहर निकलेगा, और एक ना एक दिन दोस्त आपका भी यहाँ पे हैंड रेज होगा। इसीलिए दोस्त इस बिजनेस के अंदर आने के बाद दोस्त हमने बहुत ही हमारी लाइफ के अंदर परिवर्तन पाए दोस्त। ऐसे नहीं थे हम पहले, स्पीच ऐसी नहीं थी, पर्सनालिटीज ऐसी नहीं थी, लेकिन एक चीज है दोस्त, हम कुछ जो ढूंढ रहे थे जिंदगी के अंदर सब दोस्त हमें यहाँ मिला। जॉब कर रहे थे दोस्त, प्रेशर में जॉब कर रहे थे एवरी टाइम, पैसों का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, सिक्योरिटी का प्रेशर, जो भी नहीं करना चाहते थे वो सब करना पड़ता था। जॉब वाले को सबको पता होगा दोस्त, एवरीवेयर प्रेशर रहता है। सोच रहे दोस्त कब जॉब छोड़ पाएंगे हम, करना नहीं था मुझे लेकिन करना ही पड़ रही थी, टारगेट्स इतने दिए जाते थे, प्रेशर इतना बढ़ रहा था। सोचते थे दोस्त कब हम निकल पाएंगे इसके अंदर। बहुत सारे दोस्त जॉब वाले बैठे होंगे, सोच रहे होंगे दोस्त जॉब में प्रेशर है लेकिन छोड़ नहीं पाते दोस्त, ऐसी काम करने पड़ते जो हम माइंड से करने के लिए तैयार नहीं है। होता है क्या दोस्त इसके अंदर,
कि भाई आप जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ रहा है, मतलब आपकी लाइफ आप मिसरेबल फील कर रहे हो, है ना। एक पोल्ट्री फार्म के ओनर ने, जस्ट रिलेट विद दिस एग्जांपल, एक पोल्ट्री फार्म के ओनर ने सोचा कि भाई कुछ और उनको चाहिए, ही नीड्स टू इंक्रीज टर्नओवर। जॉब में क्या होता है वो सोच लेना। मुर्गियों को बुला के उन्होंने कहा कि भाई कल से सबको दो दो अंडे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत सारी महंगाई है, तो बढ़ गई, हम नई मुर्गियाँ नहीं खरीद सकते, तो आप जितने भी हो दो दो अंडा देना शुरू कर दो। थोड़ा सा ऑपोजिशन हुआ, लेकिन इट वॉज अ रूल, देना है मतलब देना है आपको, जस्ट डू इट और क्विट द जॉब। दूसरे दिन देखा गया तो हर मुर्गी के बास्केट में से दो दो अंडे निकले, और एक ही बास्केट से अंदर एक अंडा निकला। सुपरवाइजर जो भी थे उनको मालिक को जाकर रिपोर्ट किया कि सर एक जगह पे एक ही अंडा निकला है, क्या किया जाए? तो क्या गुनेगार को बुलाओ। गुनेगार को बुलाया गया, सामने से यहाँ पे फायरिंग हुई, लेकिन सामने जो गुनेगार था उसने एक ही चीज़ कहा कि सर मुझे बोलने का मौका दो। चलो भाई, वो लोग उसको बुला गया, तो बोला कि सर मैंने जो एक अंडा दिया है वो मेरी आपकी मेरी काबिलियत की बाहर की बात है, तो मैं आपकी कंपनी का इतना लॉयल हूँ इसलिए मैंने एक अंडा दिया, वरना मैं तो वो भी नहीं दे सकता। तो पूछा गया भाई क्यों नहीं एक भी दे सकते हो? क्योंकि सर मैं तो मुर्गी नहीं, मैं तो मुर्गा हूँ। तो क्या कैसे हुआ? तो कि सर आपने प्रेशर ही इतना दे दिया। हेलो जॉब वाले बहुत सारे ऐसे काम कर लेते, फिर प्राउड भी फील करते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ फिर भी मैंने कर दिया। इट वॉज द सेम थिंग विद मी। मैं सबको नहीं बोला, शायद मेरे साथ ऐसा था, मैं नहीं करना चाहता, वैसे बहुत काम करना पड़ रहा था, इसलिए तो मैंने कभी सोचा था कि दोस्त एक ऐसी चीज़ अगर हाथ में आ जाए तो मैं हरदम के लिए फ्री हो जाऊँ, मैं लाइफ को कंट्रोल में करके एक अच्छी जिंदगी जी लूँ। दोस्त इट वॉज माई ड्रीम। थैंक गॉड दोस्त, आज से 7 साल पहले दोस्त बिजनेस हमारे नसीब में आया, आज लाइफ कंट्रोल में है, आज लाइफ कंट्रोल में है। कितने लोग लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं? डेफिनेटली दोस्त। इसलिए दोस्त इस बिजनेस को बहुत ही दिल से हमने बिल्ड किया। इनफैक्ट ये बिजनेस कपल बिजनेस है, मैंने और मीनाक्षी ने साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया है। अकेला आदमी कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली इस बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर आप सही ढंग से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो दोस्त, आपकी वाइफ, इनफैक्ट आपके स्पाउस के साथ आप बिजनेस बिल्ड करोगे, डेफिनेटली कह सकते हो दोस्त आप एक अलग इतिहास बना सकते हो। तो यहाँ पे दोस्त मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी हुई, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाई है दोस्त। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आज हम यहाँ इस स्टेज के ऊपर है, शायद मेरा जितना काम करने का हिस्सा था उससे कई ज़्यादा हिस्सा मीनाक्षी का था दोस्त। तो आज मैं आपके सामने उसको माइक देते वक्त मैं थैंक्स करना चाहूँगा मीनाक्षी का कि इतना अच्छा मुझे सपोर्ट किया, दैट्स वाई वी आर हियर दोस्त। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार है? तो दोस्त जोरदार तालियों के साथ हेल्प मी माय ब्यूटीफुल वाइफ मीनाक्षी। आज का दिन हमारे लिए स्पेशल डे है, और ये बिजनेस करने के लिए हमने एक डिसीजन लिया था, और हर मेगा फंक्शन हम जाते थे, और न्यू डायमंड के जब भी हैंड रेस होते थे हमारे आँख में आंसू आ जाते थे, और हम भी विजुलाइज करते थे कभी ना कभी ऐसे हम डायमंड जाएंगे और हमारे अपलाइन रवि और भाभी जी हमारे को ले स्पेशल हमारे हैंड रेस करेंगे। और जब भी हमें डायमंड गए तो साथ में वो भी सुनना मिला कि आपके अपलाइन मतलब कि उसके भी गुरु है कुलीन जी और मीना जी, वो भी आपको हैंड रेस करेंगे। तो सुनते ही मैं तो एकदम आश्चर्य हो गई, क्योंकि वो कपल को मिलने के लिए हम स्पेशल मतलब के तड़पते थे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरा नाम मीनाक्षी पटेलिया, हम पंचमहल गुजरात पंचमहल के हैं, और मेरे फादर हाई स्कूल में टीचर थे, और पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में आए और जॉब रिजाइन किया और पॉलिटिक्स में आज लास्ट 20 साल से अभी अच्छा लेवल पे है और लोगों के मतलब फर्ज निभा रहे हैं। मेरी मदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र थी, और मेरे फादर के आगे ले जाने के उसके पीछे मेरे मदर की बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मेरी मदर आज हाउसवाइफ है, घर की बहुत ही बड़ी जवाबदारी आने से जॉब रिज़ाइन किया, और मेरे मदर फादर ने इतना अच्छा फाउंडेशन दिया इसलिए आज मैं आज स्टेज पे हूँ। और मैंने पढ़ाई पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में एक खानपुर तालुका प्लेस है, वहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा बचपन वहाँ से गुजरा, मेरे स्टडी भी मैंने वहाँ से किया। मेरे स्टडी में PTC किया और बाद में लाइब्रेरी साइंस किया, और बाद में FIBA चालू था और मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद वहाँ से मेरा पढ़ाई स्टॉप हो गई। और मेरे फादर पॉलिटिकल में होने से कारण प्रवीण के साथ कांटेक्ट हुआ, और कांटेक्ट होने के बाद 2 ही महीने में मेरी शादी हो गई, और शादी से पहले हम मिल नहीं चुके थे। जब भी आप भी लोग शायद यहाँ भी ऐसे होंगे कि शादी होने के बाद जब सब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते होंगे, वैसे हम भी शादी के बाद दर्शन के लिए गए, और दर्शन के बाद
एक बात की थी प्रवीण मेरे साथ, आज मुझे बहुत अभी तक मुझे याद है, और इनका बोलने में कैसा एक्साइटमेंट और कैसी बॉडी लैंग्वेज वो भी मुझे याद है। उन्होंने बोला था जब भी उसके टाइम जॉब भी ज्वाइंट नहीं की थी, उन्होंने बोला कि दुनिया की हर कोई चीज़ मैं तुझे दिलाऊंगा। मुझे कंट्रोल किया लेकिन मुझे हंसी आ गई, अभी जॉब भी नहीं है, जॉब हो फिर भी मतलब दुनिया की हर कोई चीज़ तो कैसे मिल सके। लेकिन उस टाइम प्रवीण का खुद का वो बोलने का नहीं, वो भगवान ने बुलवाया था। भगवान को मालूम था कि ये कपल के ज़िंदगी में एक एमवे बिजनेस आने वाला है, वही है बिजनेस के हर सपने पूरे होने वाले हैं। और शादी के बाद वाइफ जो भी मांगे खर्च करने का बोलती है तो हस्बैंड भी उसके सोचे कि जो भी पैसा मांगे वो मैं दूँ, क्योंकि ये शादी के बाद एक साल तो आप जो भी मांगे हमको मिलता ही, क्योंकि इज्जत के सवाल है ना। एक साल तक अब मुझे हमको मालूम नहीं पड़ता कि ज़िंदगी कैसे जाएगी, लेकिन एक साल के बाद पता चलता कि ज़िंदगी कैसी रहेगी, है ना। और उन्होंने शादी के बाद 3 महीने के बाद जॉब ज्वाइन की, और जैसे जॉब ज्वाइन किया और बाद में मैं खुश हो गई, चलो पैसा आता रहेगा। लेकिन धीरे 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 जॉब जैसे मतलब करते गए, धीरे धीरे वैसे ऑफिस में बिजी हुआ करते थे, और सुबह में 7 बजे चले जाते थे और रात को 12 बजे के बाद आते थे। और हमारे जो पंचमहल में खास करके जो भी टीचर है तो टीचर के साथ ही शादी करवाते हैं, लेकिन मैं पीटीसी के लिए अलग डिफरेंस जगह पर गई, वहाँ मेरा माइंड सेट थोड़ा अलग हो गया। मैंने अलग ड्रीम लिया कि मैं जो शादी करूँगी तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर के साथ ही शादी करूँगी, वो मेरा सपना पूरा हुआ। और शादी के बाद धीरे धीरे हम मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज आते गए, लेकिन हम सहन करते गए, क्योंकि तो सहन करना ही पड़ता है। हम लेडीज़ क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, वे भी मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। लेकिन शादी के 5 साल के बाद ये बिजनेस हमारे हाथ में आया। और बिजनेस ज्वाइंट करने से पहले प्रवीण ने एक FED फंक्शन, मेगा फंक्शन में अटेंड किया था, और इनको मालूम था कि ये बिजनेस में क्या मिल सकता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। प्रोडक्ट घर में आई, प्रोडक्ट यूज़ करने का स्टार्ट किया, प्रोडक्ट अच्छी लगी, और छोटी बड़ी जो भी फंक्शन रहता था मैं उनके साथ जाती थी। कोई पूछे बिजनेस क्यों करती है, मैं बोले मालूम नहीं है बिजनेस में क्या मिलने वाला है, लेकिन ये बिजनेस हस्बैंड के साथ जो घूमना फिरना मिलता वो मुझे अच्छा लगता, इसलिए मैं जाती हूँ। लेकिन बिजनेस में आए 10 महीने के बाद ये फंक्शन आया, मेगा फंक्शन। उस टाइम उससे पहले मैं समझ नहीं पाई, कोई भी जेंट्स बहुत सारे लोगों को समझा पाते लेकिन वाइफ को नहीं समझ पाते। और ये मेगा फंक्शन अटेंड किया बाद मुझे पता चला कि बिजनेस में बहुत बड़ा मतलब लाइफस्टाइल बना सकते हैं। उस दिन मेरा नया मतलब नई जिंदगी मिली, और उस टाइम मुझे विश्वास आया कि बिजनेस में सब कुछ मिल सकता है, एक होप मिला। और नए न्यू डायमंड्स के हैंड रेस होते थे, कैसे ज्वेलरी पहने, कैसे कपड़े पहने, मैं सब देखती थी और मुझे बहुत ही एक्साइटेड थी। और पहले मुझे मैं बोली आप जो भी सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लम आए मैं बिजनेस करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मेरे बहुत बड़े सपने थे, सपने पूरा करना है, यही बिजनेस से हो सकता है, मुझे एक विश्वास आया। और बिजनेस करने के लिए कुछ जो चीज़ें हम करते थे वो मैम ने पोस्टपोन की। और वहाँ में हमारे पंचमहल एरिया में एकदम बैकवर्ड एरिया है, एकदम छोटा एरिया है, और रात को 8 बजे के बाद लेडीज़ तो ठीक है लेकिन जेंट्स भी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन हम निकले और बिजनेस स्टार्ट किया, और हम निकले तो ग्रुप वाले भी आते गए। और कोई भी चैलेंज के साथ काम करते हैं तो भगवान हमारे साथ रहते हैं, और भगवान भी इच्छता है कि लोगों की सेवाएं करें। तो हम भी हर घर में हम दीप जलाने का काम करते थे तो भगवान भी हमारे साथ है। कोई भी सिचुएशन आते तो हम साथ में भगवान रहता तो मुझे हम बहुत खुश थे। कोई भी चीज़ डायरेक्ट हाथ में मिल जाती है तो हमको मतलब मज़ा नहीं आता, लेकिन कुछ उसके साथ सेक्रीफाइस किया, कुछ प्रायोरिटी थी तो कुछ मतलब पैसा और लाइफस्टाइल देने जीने का बहुत मज़ा आता है। और हम टीवी देखने का छोड़ा, इतने साल से टीवी देखा और टीवी देखने के लिए कितना टाइम कितना खर्च बर्बाद किया, लेकिन वही चीज़ हमें बिजनेस पे डाला और जिंदगी चेंज हो गई। और टीवी देख देख के लोग घर में कॉपी करते हैं तो कुछ लाइफस्टाइल नहीं बनती है, लेकिन ये बिजनेस कॉपी करने से हमारी लाइफस्टाइल बनती है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये बिजनेस पे मतलब बहुत छोटी बड़ी चीज़ों की हमने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमारा एक सन मंथन है, भगवान इतना लवली प्यारा एक सन दिया है, बहुत ही एक्साइटेड है बिजनेस के थ्रू। और जब भी मैं बिजनेस के लिए जाती थी, मीटिंग जाती थी, तो जब भी हम बाहर जाते थे तो बहुत रोता था कि डैडी आप तो चाहिए लेकिन मम्मी को घर पे छोड़िए, मेरे मम्मी के साथ मुझे रहे। लेकिन ये मतलब छोटा सा था, समझ नहीं पाता था, और मतलब साड़ी पकड़ लेता था, मतलब अंदर से इतना हो जाता था कि क्या करूँ। लेकिन जो कभी कर रहे थे बच्चे के लिए कर रहे थे, तो बहुत मन मना के मैं मीटिंग में जाती थी।
और बहुत बुरा लगता था, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे आज याद नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में क्या एंजॉय कर रहे वो मुझे मज़ा कर रहे हैं बिजनेस में। और ये बिजनेस में बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, हमको भी मिल रहे थे और मिलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एक लेडी मुझे बोली थी कि आप बिजनेस बिल कर रहे हैं, बिजनेस में लोगों को फंसा रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद पंचमहल के जो लोग हैं आपको धक्का मार के पंचमहल से बाहर निकालेंगे। लेकिन थैंक गॉड ऐसा बोला और स्ट्रांग डिसीजन लिया, वही डिसीजन है हम आज डायमंड हूँ। और आज अब जो भी लोग बोलेंगे नेगेटिव, लेकिन आपको एक पुश मिलने का एक अच्छा सही तरीका के लिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। आज मैं घर का काम और सब साथ में मतलब मैनेजमेंट करती थी, लेकिन आज घर का कोई किचन का कोई टेंशन नहीं है, मतलब घर का कोई टेंशन नहीं है। आज बहुत एंजॉय करी हूँ। और लास्ट 3 साल से वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरा सन मंथन है, उसके साथ हम फैमिली ट्रिप पर जाएंगे। और एक मैं बात करूँ, एक स्टोरी की बात करूँ, तो एक सर्कस चल रहा था और सर्कस देखने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ हो गई थी देखने के लिए। और सर्कस ऐसा चल रहा है कि एक भैया जी छोटी रिंग थी, जली हुई रिंग के अंदर से जाते थे और बाहर आते थे, और भीड़ के अंदर एक चोर आया था और चोर से खड़ा देखते कि